आप जानते हैं मुझे ऐसे बात आप नीचे आइए सब ठीक है। जानने की कोशिश कीजिए आप अभी ये नशा सत्ता का उतर जाए। अरे चलिए आप जाइए बिना मतलब वाली बात न करिए जाइए। तो फिर क्या बिना मतलब वाली बात न करिए जाइए। आप मुझे नहीं एक बार इन तस्वीरों को देखिए। देखिए कैसे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पुलिस को समझा रहे हैं कि वो कौन है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के बात करने के लहजे से पुलिस अधिकारी को भी गुस्सा आ गया। वो चंद्रशेखर आजाद से कुछ कह ही रहे थे कि चंद्रशेखर के समर्थक पुलिस से उलझ गए और दोनों में कहा सुनी शुरू हो गई। ये घटना है आजमगढ़ की, जहां जिला अधिकारी से मिलने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद को कार्यालय के बाहर रोक लिया गया। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि भीड़ को देखते हुए सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें दफ्तर में घुसने से रोकने की कोशिश की और इसी को लेकर विवाद बढ़ गया। हालांकि चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि पुलिस टीम ने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, इसीलिए विवाद बढ़ा। सर दुर्व्यवहार तो जब तक हमारी सरकार नहीं आएगी हमको सहना पड़ेगा। यहाँ तो लोकतंत्र में जहाँ जनता को सम्मान करना चाहिए वहाँ अधिकारियों के दफ्तर के बाहर उन्होंने, असल में मैंने मास्क लगाया हुआ था, ये प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, वो खुद तो नहीं लगाते, मैंने लगाया था। तो जो व्यवहार मेरे साथ किया उससे पता लगता है कि मुझे पहचानने में उनको कमी रही। लेकिन अगर आम आदमी के साथ ये व्यवहार होता तो पता लगता है कि आजमगढ़ में पुलिस जो है वो लोगों को डराने काम करती है। जनता डरने वाली नहीं है, इस जनता की वजह से तो उनको तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह कहाँ से आती है, जनता टैक्स से तो आती है। ये जनता को धमकाएं डराएं या इनको गालियां दें तो ये जनता देख रही है और जनता इसका हिसाब जो है पाई पाई का हिसाब लेगी। अच्छा मास्क को लेके अगर हुआ तो मास्क लगाना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी पहचान करानी भी जरूरी है। मुझे फिर मास्क उतार के उन्हें बताना पड़ा कि जब आप मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे मेरे साथ इतने सारे लोग जो हैं मेरा जन समर्थन है वो लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो आप आम आदमी से क्या व्यवहार करते होंगे। फिर मुझे लगता है कि उन्हें इस बात का अफसोस जरूर रहेगा कि उनका जो है रवैया जो है आम आदमी के प्रति अच्छा नहीं है। और सरकार उनको क्या सिखा रही है, उनके अधिकारी उनको क्या सिखा रहे हैं, वो बड़ा दुखद है। हम अपने कार्यकर्ताओं को सिखाते हैं कि वो सबका सम्मान करें और सबके दुख सुख में खड़े हों। दरअसल आज से कुछ महीने पहले आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के बांस गांव में ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू राम की हत्या कर दी गई थी। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आजमगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह का तबादला कर दिया था और पीड़ित परिवार को सहायता देने की बात कही थी। लेकिन आरोप है कि पीड़ित परिवार को वो सारी सुविधाएं नहीं मिली थी जिसको लेकर वादे किए गए थे। इसी मुद्दे को लेकर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जिला अधिकारी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे थे। इस मामले को लेकर प्रशासन की ओर से कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद पूर्वांचल के दौरे पर हैं और आने वाले समय में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं ताकि पंचायत चुनाव में भीम आर्मी अच्छा प्रदर्शन कर सके। आजाद साहब, आजमगढ़ खासतौर पे पूर्वांचल का दौरा आपका चल रहा है और कई सवाल हैं आपसे, आपके साथियों में काफ़ी अंडरकरेंट है, उसको लेके क्या आपकी धारणा है और 2022 और खासतौर पे पंचायती चुनाव को लेकर क्या रणनीति आपकी? देखिए मैं पूर्वांचल में हूँ और पूर्वांचल बहुजन मूवमेंट का एक बहुत मजबूत गढ़। मैं पिछली बार भी पूर्वांचल आया था जब आजमगढ़ स्पेशल, जब बांस गांव में प्रधान थे सत्यमय जयते उनकी हत्या हुई थी, तब प्रशासन के लोगों ने मुझे टोल टैक्स पर रोक दिया था और मुझसे ये कहा था कि हम लोग न्याय सुनिश्चित करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। तो मैं फिर वापस यहाँ आया हूँ क्योंकि अपने लोगों से मिलने के लिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी और पंचायत चुनाव की तैयारियाँ चल रही हैं, उनको डायरेक्शन देने किस तरह से हमें पंचायत चुनाव लड़ना है और किस तरह के प्रत्याशी हमें पंचायत चुनाव में उतारने हैं। तो मैंने गाइडलाइन जारी की है कि ईमानदार और संघर्षी लोगों को, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं और जो लोग समाज में कुछ बदलाव चाहते हैं, ऐसे लोगों को मौका देना है। पैसे को प्रायोरिटी नहीं देनी है। कोई भी कार्यकर्ता अगर पैसे लेगा किसी प्रत्याशी से, अगर ये मेरी जानकारी में आएगा तो उसको, वो कार्यकर्ता जो है उसको संगठन से निष्कासित किया जाएगा। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।